हाय गाइस, मैं फर्स्ट मॉन्क और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ ड्रिल्स जो प्रैक्टिस करने से आपका स्कोप ओपनिंग अच्छा होगा, क्राउच फास्टर होगा और स्प्रे ट्रांसफ़र अच्छा होगा। तो स्प्रे ट्रांसफ़र बोले तो ये जैसे कि टारगेट है ना, तो यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, तो आप एक स्प्रे में कैसे ये ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब यहाँ पर गोली मारा, फिर यहाँ पर गोली मारा, फिर यहाँ पर गोली मारा, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ ही क्राउच इंक्लूड करके, मतलब अगर वो बंदा आपको भी स्प्रे कर रहा है तो आप अगर जल्दी से क्राउच कर जाते हो स्प्रे करते करते, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉइल कंट्रोल बेटर होता है और बंदा जो है आपको शॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये ड्रिल्स मैं आपको दिखाऊंगा, तो डिटेल में तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको समझा दूँ कि एक ड्रिल्स कैसे होता है। तो फर्स्ट ड्रिल जो है आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आके आप ये जो टारगेट्स है इस पर बस एम करो, फायर करो, एम करो, फायर करो, वन आफ्टर द अदर, वापस आओ, फिर करो, फिर वापस आओ, फिर करो, ठीक है। ये होता है फर्स्ट ड्रिल, ठीक है। तो ये वाला आपको करना है, इसके साथ क्राउच इंक्लूड करो। तो ड्रिल आगे है, देखिए एंड एंजॉय। सेकेंड ड्रिल में आपको क्या करना है, सेकेंड ड्रिल में आपको यहाँ पे आना है और ऐसे स्प्रे ट्रांसफ़र करना है, ये टारगेट से लेके ये टारगेट, फिर ये टारगेट से लेके ये टारगेट, ठीक है। ये देखिए ऐसे हो गया, फिर राइट। अब इसके साथ आप थोड़ा क्राउच भी इंक्लूड कर सकते हो, तो ये ड्रिल डिटेल में आप देखिए कि कैसे फास्ट किया जाता है। सो एंजॉय द ड्रिल। थर्ड ड्रिल जो है वो बहुत ही सिंपल है, हम लोग सिंगल टारगेट से किए, डबल टारगेट से किए, तो दैट इज़ अबाउट द ट्रिपल टारगेट, मतलब 1 2 3, राइट। सो वी स्टार्ट हियर, 1 2 3, अगेन 1 2 3, राइट। स्कोप इन स्कोप आउट करने का ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 एक ही स्कोप से, राइट। और आप क्राउच भी इंक्लूड कर सकते हो, लाइक 1 2 3 क्राउच, क्राउच अप, 1 2 3 क्राउच, क्राउच अप, 1 2 3 क्राउच, क्राउच अप, 2 ऐसे, राइट। तो इसका भी ड्रिल आगे है, एंजॉय करो म्यूजिक के साथ। चौथा ड्रिल जो है, चौथा ड्रिल के लिए हम लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे, वो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ये दिस आई डोंट नो व्हाट दिस इज, अ बेल और समथिंग, सो यू क्राउच बिहाइंड दिस, तो आप खड़े हो जाओ और फुल मैग एम्प्टी करो एक एक टारगेट, फिर क्राउच होकर रिलोड करो, फिर क्राउच रिलोड, राइट, क्राउच अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्राउच रिलोड, क्राउच अप, 1 2 3 4।
सो द लास्ट एंड फाइनल थिंग जो कि हम लोग बोलेंगे कि ये तो हो गया आपका नॉर्मल जो स्प्रे ट्रांसफ़र एंड क्राउच एट द सेम टाइम, जिससे आपका स्कोप टारगेट के ऊपर ही ओपन होगा एंड ट्राई करो आप हेड पे शॉट मारने के लिए पिछले ड्रिल्स में। और ये जो है ये फास्ट पिक के लिए है, तो इसके लिए क्या करना है आपको यहाँ पे आना है, ये देखिए ये 10 मीटर वाला टारगेट यहाँ पे खड़े हो जाओ और ये 25 मीटर वाला टारगेट को आप ध्यान में रखो, दैट्स गोना बी द टारगेट दैट यू गोना हिट। तो कैसे करना है, पिक फायर पिक फायर पिक फायर पिक फायर राइट। तो इसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके साथ क्राउच भी ऐड करेंगे, पीक क्राउच क्राउचर पीक क्राउच क्राउचर पीक क्राउच क्राउचर पीक क्राउच क्राउचर पीक राइट। तो ये ड्रिल भी डिटेल में आगे है बड़ा सा क्लिप, तो वो भी आप देखो एंड एंजॉय करो। यही था आज का हमारा वीडियो, जिसमें कि ये ड्रिल्स जो है आप ये हर दिन प्रैक्टिस करो करीबन 20 मिनट्स एवरी डे, सुबह एक बार शाम एक बार, तो करने पर आप देखिए यू विल इम्प्रूव आपका रिएक्शन टाइम, फिर आपका जो स्कोप ओपनिंग टाइम, फिर आपका स्प्रे ट्रांसफ़र बेटर होगा, पीक भी फास्ट होगा, मसल मेमोरी में बैठ जाएगा ये सब, तो आपका गेम भी बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, ताकि मैं और ऐसा वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एंड बाय बाय फॉर नाउ।